तो एक हमारे पास है 14 प्रो मैक्स और एक जगह है हमारे पास है 8 प्लस। ये काफ़ी ओल्ड ओ सॉरी ये काफ़ी न्यू जनरेशन का है, अभी का ही है 2022। और ये है आई थिंक 2018 में भी 8 प्लस, और काफ़ी डिमांडिंग फ़ोन था एक्चुअली। ये मेरा फ़ोन टूट गया है तो, बट अभी भी इसका कैमरा बहुत ही कमाल का है और काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट फोटोज़ इससे आती हैं जो कि एक प्रो लेवल कैमरा से मैच करती हैं। बट अब ये न्यू मॉडल है, हम इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन करेंगे तो लेट्स बिगिन। तो अब मैंने दोनों की ब्राइटनेस पुल कर दी है और अब हम चेक करते हैं कैमरा सैंपल। लुक एट दिस, एक्चुअली इसमें ट्रू टोन ऑन है और इसमें ये ऑन है। एक्चुअली बहुत शॉकिंग बात है कि मुझे 8 प्लस का कैमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मे बी डिटेल वाइज 14 प्रो मैक्स में हो लेकिन कलर्स जो है ना वो 8 प्लस में ज़्यादा अच्छे आ रहे होंगे, मे बी आपके सामने ही है सब। बट एक्चुअली इसमें ये ऑप्शन है रॉ मोड, इससे 48 मेगापिक्सल लग जाता है। ये देखिए अब कलर्स में फ़र्क आया, देखिए एक थोड़ा सा जूम करके खाता हूँ, जैसे आप रॉ हटा देंगे ये लाइव ऑन हो गया। हाँ और ये देखिए, ये देखिए तो रॉ लगा के मे बी आईफोन 8 प्लस से अच्छी। इसमें थोड़ा सा डिटेल मुझे ज़्यादा दिख रही है बट इसके भी कलर्स नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं दोनों का एक सैंपल लेता हूँ, आपको दिख जाएगा एक रॉ के साथ, यानी रॉ मतलब 48 मेगापिक्सल, और एक रॉ के बिना। तो अब आपके सामने एक आ रहा होगा, तो एक मिनट क्लोज आना। तो अब मैं पोर्ट्रेट शॉट आपको दिखाता हूँ, पोर्ट्रेट शॉट। तो पोर्ट्रेट शॉट में आप जैसे कि चेक कर पा रहे होंगे कि इसमें आपके पास 2x और आप 3x और जूम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन है। लेकिन आईफोन 8 प्लस में आप जूम वगैरह पोर्ट्रेट में नहीं कर सकते, आप जैसे पोर्ट्रेट पे शिफ्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल 2x पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मैं 2x दोनों को 2x पे खींचूं तो दोनों सेम है, कोई फिल्टर्स नहीं। एक्चुअली में मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है बट हाँ कलर्स इसके थोड़े से और मे बी डिटेल्स, या डिटेल्स थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो और रही बात 3x में, तो अगर मैं इसमें 3x का भी ऑप्शन है तो यार काफ़ी जूम फोटो खींच सकते हैं इसमें। ये देखिए 3x से आप जैसे 3x में आप काफ़ी जूम फोटो खींच सकते हैं। तो वीडियो की बात करूं तो एक्चुअली में दोनों में 4K 60fps का सपोर्ट है, तो दोनों में 4K 60fps का सपोर्ट है। फिर भी मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स एन अपग्रेडेड मॉडल, पर 8 प्लस भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैं दोनों का वीडियो सैंपल लेता हूं, दोनों का वीडियो सैंपल है, स्टेबलाइजेशन में आपको फ़र्क लग रहा होगा। एक्चुअली मैं ऐसे फ़ोन घुमा रहा हूँ तब उसमें भी स्टेबलाइजेशन में फ़र्क है, तो वीडियो में तो बहुत ही होगा। और अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो स्टेबलाइजेशन इनका इम्प्रूव हुआ है आईफोन 11 के बाद, जो कि मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसमें आपके पास सिनेमैटिक का भी ऑप्शन है, तो सिनेमैटिक में आप पोर्ट्रेट वीडियोस ले सकते हैं, जैसे कि जैसे ये फ़ोन है मेरे पास, ये देखिए कैसे आप पूरी और वीडियोस वो हो गई। इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी है, अगर मैं ऐसे देखे एडजस्ट भी कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल फोकस नहीं हटा रहा, जैसे मैंने इधर देखा इधर किया तुरंत फोकस में आ रही है चीज़। तो इसमें एक ये फीचर है, ये ऑफकोर्स ये मुझे बताना नहीं चाहिए, नए मॉडल्स में आया 13 प्रो में, पर 14 प्रो में और अपग्रेडेड है क्योंकि ये 4K 30fps पे है। तो 13 प्रो में 1080 पे। अब मैं स्लोमो का टेस्ट करना चाहूँगा, एक्चुअली ये रहे आपके सामने, डायनेमिक रेंज में चेक कराना चाह रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ा सा ना ब्राइटनेस डल थी,
वहाँ पे ब्राइटनेस अच्छी थी। एक्चुअली जो ये ओल्ड फ़ोन्स हैं ये वाले, ये डे लाइट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बेकार। तो ये भी एक वजह है कि मुझे डे लाइट, वो भी आपको दिखाना था डायनेमिक रेंज, इसमें काफ़ी ब्राइट दिख रही है। तो स्लोमो के शौकीनों देख लो, और ऑफ कोर्स स्टेबलाइजेशन और क्लियरिटी 14 प्रो में। इसमें आप 3x में भी जा सकते हैं, इसमें आप सिर्फ शायद मे बी 2x, इसमें भी 3x तक जा सकते हैं आप, लेकिन इसमें भी 3x तक ही जा सकते हैं, ये मुझे आज पता चला वीडियो बना के। तो इसका 3x बहुत ही फट चुका है और इसका 3x कुछ नहीं। और ऑफ कोर्स स्टेबलाइजेशन, और ऑफ कोर्स स्टेबलाइजेशन। तो मैंने 14 प्रो मैक्स वर्सेस 8 प्लस इसीलिए चूज़ किया, एक्चुअली मैं 7 प्लस भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। तो इसको चूज़ करने का ये रीज़न था कि 8 प्लस और 7 प्लस डे लाइट में नो डाउट नो चेंजेस नथिंग, मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्रा इसमें फीचर नहीं है कि जो 7 प्लस में ना हो। पोर्ट्रेट शॉट्स, नॉर्मल शॉट्स, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वीडियो, बिकॉज इसमें 4K 60fps है, इसमें 4K 30fps है। तो ऑफकोर्स वीडियो इसमें अच्छी आती है, लेकिन जो इनडोर कंडीशंस हैं उसमें 8 प्लस 7 प्लस से काफ़ी अच्छा है, ये अगर जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उनको पता चला होगा। तो इसलिए मैंने 7 प्लस की जगह 8 प्लस को चूज़ किया वीडियो बनाने के लिए, कंपैरिजन के लिए। मैं एक्स को भी चूज़ कर सकता हूँ, बट 8 प्लस काफ़ी डिमांडिंग फ़ोन है और रेयर फ़ोन है।